अंदर से 40/40 आ रहा ना हो, कहीं गड़बड़ नहीं ना है, अंदर से नापिएगा देखिएगा। सपोर्ट बढ़िया से लगा दीजिए इसमें, सपोर्ट जो है इधर आ जाए, दूर आ जाए, दूर शॉर्ट बढ़िया बढ़िया। आप लोग का क्या ट्रेड है? कारपेंटर देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, कारपेंटर में ग्रुप में भी काम दे रहे हैं, अकेले भी दे रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं? तो आप लोग को मौका मिल रहा है, बना रहे हैं, क्या कमी बेसी है, जो कमी ये कर रहे हैं आप लोग मत करिएगा, समझ रहे हैं नहीं? और देखिए इस तरह से है सारा जो है, ये भी काम करवा रहे हैं। एक इसका साइज क्या होगा, हाई का साइज कितना हुई हो? 40 सेंटी। हाँ, कहाँ से आए हैं आप इंटरव्यू देने के लिए, कौन जगह? नेबुआ नोरंगिया। कौन जिला में पढ़ा लो? कुशीनगर। तू हो? बलिया से आए हैं। आप भैया? कटिहार से। आप कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से। देखिए ना, आप लोग दो बार ऑफिस पे आ चुके हैं, क्यों? तीन बार। हाँ, देखिए आज इंटरव्यू हो रहा है, सबसे अच्छी बात है तुरंत सिलेक्शन है कि आप फेल है तुरंत मालूम चल जा रहा है, सिलेक्ट है ओके, नहीं सिलेक्ट है तो भैया दोबारा मौका देंगे, दूसरे में कराएंगे, नहीं तो अपना पासपोर्ट लीजिए आप अपने घर, समझ रहे नहीं? इस तरह से काम होता है, क्लाइंट तुरंत ऑफर लेटर से लगाए, सैलरी से लगाए, सब कुछ क्लियर, समझ रहे हैं ना, और तुरंत साइन भी करवा ले रहे हैं, इतना सैलरी आपको देंगे, सारी कंपनी की व्यवस्था है, कुछ पूछना है पूछिए, साइन करिए, सही है कि नहीं है? तुरंत हाथों हाथ मालूम चलता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार कौन जगह है? बगहा तो नजदीक में, पश्चिमी चंपारण। चंपारण की बेतिया? बेतिया सर, इधर पड़ता है। और तू हो? छपरा। आप मेसन है? आप लोग तो मेसन है ना, तो हेल्पर, सारे लोग हेल्पर है, हमको सक्रीन कारपेंटर सुनाई दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हेल्पर लोग का तो कुछ है नहीं, वो बोरिया जो नहीं देख रहे हैं वो उठवा के थोड़ा हाथ पर देख ले रहे हैं, देखिये लोग लंगड़ा के इसे चल रहे थे, समझ रहे हैं? अब पूछा है तो उनको झुंझुनी चढ़ी हुई थी, उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो झुंझुनी उंझुनी अगर पैन में चढ़ उड़ गया तो ऐसे ऐसे झटका उटका के पानी उनी इधर पीने की व्यवस्था सब कर लीजिए, ठीक है? ये सारा चीज है, बाकी 1000 लोग देख रहे हैं, और आपके पास ये लास्ट मौका है, कल इंटरव्यू है, और जो है ये नास वाला रिक्वायरमेंट कहाँ है? नास वाला है यहाँ पे, नास वाला रिक्वायरमेंट, नास वाला रिक्वायरमेंट कहाँ है? इधर दीजिए। कल जो है आपके पास समझ लीजिए आखिरी मौका है, और ये कल कंपनी का इंटरव्यू है, और अगर आना चाहते हैं आप भी, कल क्लाइंट इंटरव्यू है, आके तुरंत इंटरव्यू मारिए, और अगर स्टेट में है तो तुरंत जो है वीजा लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों से, और कल सुबह ऑफिस पे हमारे आ जाइए, ठीक है? 10 बजे से इंटरव्यू यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जो साथ ही लेट भी हो जाता है 11-12 भी बज जाता है, तभी हम इंटरव्यू आपका करा देंगे। ये टोटल 21 ट्रेड है बहरीन का, नास कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसके साथ साथ एक दो कैंडिडेट अलग कंपनी का भी है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए डीजल मैकेनिक चाहिए, ठीक है, पेट्रोल मैकेनिक चाहिए, सैलरी बहुत बढ़िया है, इंडिया का जो है आराम से आप घर पे जो है 40,000 रुपया खा पी के बचा के भेज सकते हैं, जान लीजिए 40 से ऊपर ही भेजेंगे, लेकिन 40 हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? यह देखिए डीजल मैकेनिक है, पेट्रोल मैकेनिक है, रेडिएटर मैकेनिक है, हाइड्रोलिक मैकेनिक है, ऑटो डेंटर और स्प्रे पेंटर है, ऑटो एसी मैकेनिक है, पाइप फिटर भी है भैया आपके ट्रेड का भी है, लाइट ड्राइवर है, रोड रोलर है, स्किड स्टील लोडर ऑपरेटर है, जो लाइसेंस ड्राइवर है और जो ऑपरेटर है, इनका 6 महीने का GCC का वैलिड लाइसेंस किसी भी देश का चलेगा, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, सब जगह चली भैया कुवैत, लेकिन 6 महीने का वैलिडिटी चाहिए, ठीक है? जो भी इसमें है लाइसेंस वाले देखिए है, लाइट ड्राइवर भी चलेंगे, रोड रोलर चलेंगे, स्किड स्टील रोलर चाहिए, फोर्कलिफ्ट बैकओवर जो जैसे भी ऑपरेटर कहते हैं, एग्जावेटर ऑपरेटर चाहिए, रिगरों का भैया बहुत से रिगर साथी परेशान थे, देखिए वांट है रिगर का, कल आ जाइए। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, हैवी ड्राइवर चाहिए, रिगर सुपरवाइजर चाहिए, फेब्रिकेटर चाहिए, वेल्डर चाहिए, स्किल वर्कर जो देख रहे हैं होटल के लिए चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हो जो बात को समझ सके, फर्नीचर कारपेंटर भी चाहिए, 120 से 140 उमान रियाल सैलरी है, बहरीन दिनार सैलरी है, तो कल तुरंत आ जाएं आप ऑफिस में, हमारा काम हो सकता है। बाकी साथी जो सवाल क्या है, संदीप मौर्य साहब कॉल कर रहे हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को शेयर किया। और जो साथी बात करना चाहते हैं वीडियो को एक बार शेयर करें ताकि हम उनसे बात कर सके। जी संदीप भाई नमस्कार, हाल चाल है? नमस्कार सर। और बम्बई का क्या हाल चाल है, कहाँ बम्बई है, घर पे है? नहीं सर, बम्बई में।
बम्बई जाना था, काहे वीजा अपना निकलवा लिया? हम तो यही नहीं समझ पाए यार, मना कर दिया था सर वीजा मत निकालिए। बम्बई रहना नहीं था लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गया, इस वजह से आना पड़ गया। क्या दिक्कत हो गया? मान लीजिए आपके साथ दिक्कत हो गया, एक बात बताइए, आपके साथ दिक्कत हो गया तो आप बता दिए होते सर हमारा कुवैत का वीजा मत निकलवाइए, हम लोग रोक दिए होते। आपने बोला वीजा भी निकलवा दीजिए, वीजा भी निकल गया, फिर फोन उठाना आपने बंद कर दिया। क्यों आखिर, क्या हमारी कोई गलती हो तो बता दीजिए, नहीं आपने आपकी गलती है आपके कंपनी। नहीं सर गलती नहीं है, थोड़ा मेरी मम्मी का भी एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से हमको मतलब पैसे की दिक्कत हो गया, तो फिर घर नहीं आ पाए हम। ठीक है, आप फिर आके हमसे बात किए होते, हम जो भी पैसे सहयोग कर दिए होते आपका। देख लीजिए अभी भी टाइम है, मान लीजिए पैसा आप जाके कमा दे दीजिएगा, आप इससे इतना ज्यादा थोड़ी ना कोई ऑफिस कुछ कर सकता है, कोई ऑफिस वाले सर्च करेगा आपके साथ? आपका वीजा निकल गया ऑलरेडी, आप हर एक वीडियो हमारा लाइक शेयर जो भी है करते हैं, इसलिए मैंने आपका जो है वीजा निकलवाया। आप इंटरव्यू के दिन भी आए थे, सबसे पहले इंटरव्यू कराया, सेलेक्ट हुए, गलत कह रहा हूँ? नहीं सर सही बोल रहे हैं। जाना तो आइए, हम आपके लिए है, मान लीजिए वीजा निकल गया कंपनी का ऑलरेडी ना आपका। देखिए कुवैत में जितने एग्रीकल्चर का वीजा निकला सबका तो लाइव वीडियो बनता है, आप तो देखे होंगे जो आपके साथ इंटरव्यू दिए थे, नहीं देखते हैं? जी हम तो सब देखते हैं। तब आके जाइए, बम्बई कमाने से काम नहीं चलेगा, पैसा रहेगा घर पे परिवार पे कोई भी आफत रहेगा सब सॉल्व कर सकते हैं पैसे के बदौलत। पूरी जिंदगी इसी तरह बम्बई गांव खत्म हो जाएगा, जान लीजिए लाश में मालूम चलेगा सिर्फ कमाने खाने में ही रहे पूरी जिंदगी गुजर गए। कोई हमारी गलती है, हमारे स्टाफ की कोई गलती है, कंपनी कमी है तो आप बताइए। नहीं सर ये कमी था, इसके वजह से हम नहीं जा रहे हैं वीजा मंगवा के। कोई नहीं सर, कोई गलती नहीं था, बस वही थोड़ा दिक्कत हो गया था और घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम चालू हो गया था, इस वजह से अभी प्रॉब्लम तो जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जान लीजिए प्रॉब्लम। अपना नंबर एक बार बताइएगा, हम आपको कॉल करते हैं, अपने नंबर से दीजिएगा, मुझे बोलिएगा पिन दीजिए। 95 रुकिए 95 रुकिए आपको 95 550 मतलब 9555 9355 0 उसके बाद 222 तीन बार दो रहेगा, 0 एक दो तीन 9355 0 3 2 ओके बाद 0 फिर 0 9 देखिए मैं बता रहा हूँ 9555 0220 एक नंबर गलत बताया है आप, 9 नंबर का हो रहा है, 222 तीन बार दो है, उसके बाद 9555 0220 ओके हाँ एक दो एक मिनट रुकिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं यार 9 अंक हो रहा है, 95555 32220 है। एक मिनट 5 के ठे बाद 4 ठे बाद का नहीं 9555 0 3 2 0 एक मिनट 32 बोल रहे हैं। हाँ एक मिनट 32 0 हाँ एक मिनट सबर एक एक अंक बताओ 9 ओकरे बाद 5 हाँ पाँच हाँ फिर 5 हाँ 0 हाँ 3 2 2 2 0 हाँ देखिए हम कॉल कर रहे हैं आपको लगा रहे हैं, यही नंबर है ना, एक बार देख लीजिएगा, आपको कॉल भी कर रहे हैं। हाँ अब सब बात मान लीजिए लाइव में करना ठीक नहीं है, यही नंबर है ना आपका, घंटी गया, यही नंबर है ना 9555 0 3 हेलो हाँ संदीप भाई, अरे क्यों नहीं जा रहे हैं यार, आखिर कोई दिक्कत हो तो बताइए ना, इतना पैसा लगा के वीजा आपका मंगवा दिया मैंने। हाँ ठीक है, अलग हो गए हो तो क्या दिक्कत है, हमको बता दिए होते सर हम अलग हो गए नहीं जाएंगे, वीजा आपका नहीं मंगवाया जाता, अब तो वीजा मान लीजिए आ गया ना।
वीजा निकलने के बाद ना आप तो चले ठीक है, आप आ जाइए ऑफिस पे, हमसे जो भी सपोर्ट हो रहा है हम कर दे रहे हैं आपका, बाकी जान लीजिए। सबको एक दिन मरना है, जो गलत करेगा उसको हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है? आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ मैं, आप आके आप देख लीजिए, चले जाइए। तो ठीक है, मान लीजिए आप वीजा आदमी मंगवा लिया, आप नहीं जाएंगे तो आदमी सोचेगा ना आप किसी तरह आप चले जाएंगे, आप आ जाइए, हम हैं आपके साथ। तो दोस्तों जो है देखिए, ऐसे लोग भी होते हैं वीजा निकलवाने के बाद सो जाते हैं, ठीक है? कॉल स्टाफ करता है नहीं उठाते हैं, तो ऐसा ना करें। किसी के साथ नहीं जाना है तो आप इंटरव्यू मत दीजिए, समझ रहे हैं दोस्तों? तो देखिए मैंने रिक्वायरमेंट बताया है, आप लोग कल आ जाइए। मुझे मालूम है कि 1000 लोग देख रहे हैं, दो साथी और बहुत से लोग हैं, आपके ट्रेड का ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप लोग फोन करके लोगों को बताते हैं तो फौरन जो है बता दीजिए कि आप परफेक्ट ग्रुप पे चले जाओ, ठीक है? भारत का सबसे बेहतरीन ऑफिस यही है, जिसका हमारे ऑफिस से काम नहीं हुआ उसका जाना बहुत मुश्किल है, जान लीजिए। झूठ बोल के स्टेटों में मत आइएगा कि आपको काम नहीं मालूम है तभी डीजल मैकेनिक बन जा रहे हैं, काम नहीं मालूम है शटरिंग कारपेंटर बन जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। ये ध्यान दीजिए, कई स्टेट है इसका फोटो खींचना चाहते हैं फोटो खींच लीजिए और कल ऑफिस में तुरंत हमारे आके मिल लीजिए। ऑफिस एड्रेस के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप इसी मैसेंजर पे हाई लिख के भेज दीजिए, ऑफिस का एड्रेस मैं खुद आपको भेज दे रहा हूँ। दूसरा, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए परफेक्ट ग्रुप गोरखपुर, ऑफिस एड्रेस वीडियो मैंने बनाया है, देख के इजिली कल आ जाइए, मैं आपके साथ हूँ, सारे लोग का काम हो जाएगा।